हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इस टाइम पे जैसे कि थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो आप लोग को अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है ना। अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे एग्जाम दोगे? अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे। अच्छे से अपनी तबीयत का ख्याल रखो। और इस टाइम नींद बहुत आती है, तो इसका खास जो है ध्यान रखना है, नींद नहीं आने देना है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, टिप्स मैं आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपको वो टिप्स सारे फॉलो करने, जिससे आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, आलस भी नहीं आएगा। चलो अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों जंतुओं में लैंगिक जनन। ठीक है, जंतुओं में जनन को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। जैसे पौधों में था लैंगिक अलैंगिक हमने पढ़ा है ना, सेम उसी तरीके से जंतुओं में भी होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की विधियों में हम पढ़ेंगे विघटन, सॉरी इसमें विधियों को हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, हमें बस केवल शॉर्ट में इसको जानना है कि विधियां कौन कौन सी, क्योंकि आपसे हो सकता है नाम पूछा जाए कि अलैंगिक विधियां जो है उनका नाम बताइए, तो आपसे नाम पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो विधियों में अलैंगिक विधियों में देखिए, एक है विखंडन, दूसरा है कालिको उत्पादन, तीसरा है पुनरुद्धवन। ये तीन विधियां आती हैं, इनका नाम केवल आपसे पूछा जाता है, नाम आपको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं पौधों में लैंगिक जनन। ये तो हो गया अलैंगिक जनन, जिसकी तीन विधियां विखंडन, कालिको उत्पादन और पुनरुत्थान। इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं नो डिटेल स्टडी। ठीक है, इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है लैंगिक जनन। अब पहले समझते हैं बच्चों कि लैंगिक जनन होता क्या है, मतलब जो हमारे जो जंतुओं में लैंगिक जनन होता है वो किस तरीके से होता है, या फिर उसकी परिभाषा क्या है। दो नंबर में आपसे पूछा जाता है कि पौधों में जो लैंगिक जनन होता है उसकी परिभाषा बताइए। ठीक है, तो देखिए लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बने नर व मादा प्रकार के युग्मकों के संयोग से युग्मनज बनता है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा नए जंतु में विकसित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बने नर व मादा प्रकार के युग्मकों के संयोग से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किस में परिवर्तित हो जाता है, नए जंतुओं में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया परिभाषा किसकी, मनुष्य में लैंगिक जनन की। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपको ये भी पढ़ने को मिलता है, क्या पढ़ने को मिलता है, नर युग्मक और मादा युग्मक इनको क्या कहा जाता है। तो लिखिएगा जो नर युग्मक होता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु। क्या होता है बच्चों, शुक्राणु। इसी ये क्या है, नर युग्मक है और अंडाणु ये क्या है, मादा युग्मक है। क्या है ये, मादा युग्मक। नर युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु। मादा युग्मक को कहा जाता है अंडाणु। अब ये सवाल आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक को निम्नलिखित में से हम क्या कहते हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे, शुक्राणु। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो आप क्या आंसर कर देंगे, अंडाणु। ठीक है, दोनों चीजें समझ गए आप आसानी से। अब हमें पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि से हानियां। ये चीज हमें बस यहाँ तक ही पढ़ना है, इसके अलावा आपके लिए सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी टीचर है बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के पढ़ा रहे, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है बच्चों। देखो मैं जो बात है सीधी सीधी आपको बता दूं, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सारा आपको बता रही हूँ। कौन कौन सा चीज कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ, इसलिए बहुत सीरियसली पढ़िएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। 2-3 महीने का आपको पास रिविजन का टाइम है। ये जो वीडियोज लेक्चर मैं आपके लिए बना रही हूँ, समझ लो एक रिविजन लेक्चर है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बेसिक से इसको लिखना नहीं, क्योंकि आपने स्कूल में लिखा होगा है ना, तो बस जितना भी मैं करा रही हूँ बस उसका रिवीजन करते चलिए। ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है पूछे जाते हैं पेपर में, बिल्कुल चुने हुए टॉपिक से बच्चों। जितना आप अगर सीरियसली अच्छे से पढ़ डालोगे ना, देखना आपको कितना अच्छा नंबर मिलेगा। बस ध्यान से आपको पढ़ते चलना, यही आपका काम है। अब हमें पढ़ना है जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या हानियां हो सकती हैं, वो अभी हमें पढ़ते हैं। तो इसको करते हैं रेस और पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि से हानियां, देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से हमें क्या क्या हानियां हो सकती है। चलिए रिलेट करते हैं आपकी फैमिली के लेकर। ठीक है, आपकी फैमिली से ही मैं रिलेट करके आपको सारी चीजें बताऊंगी, जिससे आपको ये सारे जो यहाँ पे नंबर से 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आपको लिखने हैं वो आसानी से आप याद कर सकते हो। चलिए देखो, फॉर एग्जाम्पल एक है, मान लीजिए इधर मान लीजिए फैमिली ए है, ये परिवार ए
और ये है परिवार बी, ठीक है, ये है परिवार बी और ये है परिवार ए, दोनों हो गया अलग अलग। मान लीजिए कि परिवार ए में कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन चार लोग हैं, और जो परिवार बी है थोड़ा और अच्छा से इसको बनाते हैं, ये है परिवार बी जिसमें कितने लोग हैं, मान लिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, मान लिया क्या है परिवार बी है जिसमें कितने लोग हैं, आठ नौ लोग कर लेते हैं, नौ लोग हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि अगर यहाँ पे परिवार ए में क्या हो रहा है, 10,000 कोई कमा रहा है, ठीक, और इस परिवार बी में भी कोई दस, मान लीजिए 15,000, दस ही मान लीजिए, ठीक है, 10,000 इसमें भी कोई कमा रहा है, 10,000 इसमें भी कोई कमा रहा है, ठीक है। तो इन 10,000 को हमें चार लोगों में बांटना है, चार लोगों में बांटना है, तो और इसी 10,000 को यहाँ हमें नौ लोगों में बांटना है, नौ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ज्यादा प्रॉफिट किस फैमिली को होगा, इस वाली की इस वाली। आप कहेंगे जाहिर सी बात है, जहाँ पे चार लोगों में बटेगा उन चारों लोगों को ज्यादा ज्यादा पैसा मिलेगा, जहाँ यही चीज नौ लोगों में बट रही है वो कम कम मिलेगा, ठीक है, एक व्यक्ति को कम ही रुपए मिलेंगे, है ना। तो देखो अब हमें हमें पढ़ना है क्या, जनसंख्या वृद्धि से हानियां। तो पहली हानि आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से ये हानि होती है, मैं बता रही हूँ आपको कि हानि आप लिखेंगे क्या क्या होगा। सबसे पहली समस्या यही है कि आर्थिक समस्या, क्या आ गई, यहाँ से हमने समझा क्या आ गई, आर्थिक समस्या, ठीक, आर्थिक समस्या। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसमें 10,000, ए परिवार में कोई व्यक्ति है 10,000 कमा रहा है, तो ये इन चारों लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं कर सकता है, किससे रिलेटेड, स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी सुविधा कर सकता है ये, ठीक है। अगर 5,000 भी इसने अपनी सैलरी का स्वास्थ्य पर खर्चा कर दिया तो इन चारों लोगों के लिए बहुत अच्छे से हर चीजें मैनेज हो जाएंगी। लेकिन अगर ये व्यक्ति चाहे, परिवार बी का जो एक व्यक्ति है जो 10,000 कमा रहा है, वो अगर चाहे कि वो 5,000 में, यहाँ 5,000 में चार लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा मिल रही है, यहाँ पर 5,000 में नौ लोगों को सी वही सुविधाएं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या कि सुविधा यहाँ पर कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। तो दूसरा नंबर आप लिखेंगे क्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाना, ठीक, दूसरा हो गया स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी। अब तीसरा क्या लिखेंगे, मान लीजिए इस परिवार में दो मम्मी पापा हैं और दो बच्चे हैं, और यहीं पर इस परिवार में छह बच्चे हैं। अब ये कोई बंदा है जो यहाँ पे अगर 2,000 भी खर्चा करेगा, मान लीजिए, तो 2,000 में दोनों को पढ़ा लेगा, ठीक, लेकिन हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं ना कि हाई सोसाइटी की। लेकिन यहीं पर अगर एक छह जो है छह बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहीं पर वो अगर 2,000 उन छह लोगों पर अलग अलग खर्चे कर देगा तो क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा, तो बेचारा उसके पास मजबूरी रहेगी, क्या करेगा, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेगा, वो सरकारी स्कूल में भेजेगा, है ना। तो सरकारी और प्राइवेट के कंपैरिजन में क्या होगा, आप लोग देख ही रहे हैं सरकारी स्कूल में कहाँ पढ़ाई होती, नहीं होती, तो प्राइवेट वालों को ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिल सकती है। तो आप यहाँ पे थर्ड लिखेंगे, शिक्षा से संबंधित सही उच्चतर या उच्चतम व्यवस्था नहीं हो पाना या फिर ना हो पाना, ठीक। तीसरा हो गया शिक्षा से संबंधित, है ना, सब समझ में आ रहा है ना। और सभी एग्जाम्पल ऐसे ही आपको अपने ही लाइफ से रिलेट करके सारे एग्जाम्पल को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने देखा आर्थिक समस्या हमारे परिवार में आ सकती है जब क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा होगी। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं, शिक्षा से संबंधित समस्या आती है, और रहन सहन तो हमारा क्या हो जाएगा, अपने आप डाउन हो जाएगा, रहन सहन का स्तर निम्न हो जाएगा। आवास समस्या हो सकती है ना, रहने की समस्या भी हो सकती है। एक ही रूम में नौ लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक ही रूम में दूसरे चार लोग एडजस्ट आराम से कर सकते हैं, तो रहने सहने में जो है आवास समस्या भी हो सकती है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स आप अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि परिवार नियोजन की विधियां आपसे जो है पेपर में पूछी जाती है कि परिवार नियोजन की विधियां बताइए, तो आप जो है उसको समझ, चलिए अब समझ लेते हैं परिवार नियोजन की विधियां क्या क्या हो सकती हैं। चलिए अब समझते हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है। पहले हमें समझना है कि परिवार नियोजन होता क्या है। परिवार नियोजन की मान लो अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या वहाँ पर आंसर करेंगे। तो परिवार नियोजन क्या होता है, जन्म दर की जो विधि, जन्म दर में क्या होता है, अगर हम जन्म दर में क्या करते बच्चों, नियंत्रण लाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं, ठीक है। जन्म दर में क्या होगा ना,
परिवर्तन लाना या फिर जन्म दर को कम कर देना, जन्म दर में कमी लाना, कमी लाना, ये क्या होता है बच्चों, क्या कहलाता है? परिवार नियोजन की विधि कहलाती है। अब परिवार नियोजन करने के लिए विधियां हैं कौन कौन सी, तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, बच्चे के जन्म के बीच दूरी, मतलब क्या हो सकता है, जैसे मान लो एक बच्चा हुआ 2017 में, तो अगला बच्चा हम जो है अगर इसके बीच में हमें ज्यादा गैपिंग करनी, जैसे 2017 है तो अगला जो बच्चा होना चाहिए वो कब हो, 2023 में, 2025 में हो, ऐसा ना हो कि 17 में हो फिर 19 फिर 21 ऐसा हर 2 साल पे हो जाए, ऐसा नहीं। तो हमें क्या करना है, यही लिखा गया है कि बच्चे के जन्म के बीच में दूरी लानी चाहिए। दूसरा क्या है, विवाह की आयु में वृद्धि। देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि को कम करने के उपाय, ठीक है। तो पहला क्या है, बच्चे के बीच जन्म के बीच दूरी, अभी आपको समझाया, विवाह की आयु में वृद्धि होना। पहले क्या होता था, पहले के समय में 16 साल 15 साल 13 साल 9 साल 11 साल इसी समय में शादी हो जाती थी, लेकिन अभी समय में क्या हो रहा है, हम लोग एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो है हम लोग शिक्षित बनते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम हर चीजें समझ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब ये सब सिस्टम हमारे समाज में आ चुका है जिसमें वो क्या होता है, विवाह की आयु में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, कम उम्र में शादियां अब नहीं होती। दूसरा थर्ड क्या है, सीमित परिवार। चौथा क्या है, प्रजनन निरोध। पांचवा, उचित शिक्षा प्रबंध। अच्छी एजुकेशन देंगे तभी तो हर एक व्यक्ति को सही चीजें समझ में आएंगी, तो वो अपने लेवल पे हर एक चीजों को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक। छठा क्या है, कानूनी व्यवस्था। कुछ ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं भी होती है, जैसे अभी यूपी में लॉन्च किया गया है दो बच्चों के लिए, ठीक है, ऐसा उन्होंने नियम लेके आए हैं यूपी गवर्नमेंट में कि जिनके पास दो बच्चों से ज्यादा होंगे, 2021 से ये नियम लागू हुआ है, जिसमें क्या होगा कि अगर जिस फैमिली में दो बच्चे से ज्यादा हो रहे हैं तो उनको सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सभी कानूनी व्यवस्था के अंदर आता है। अब चलो हम पढ़ते हैं कि जो परिवार नियोजन होता है उसकी अस्थायी विधि कौन सी है और अस्थायी विधि कौन सी है। दोनों विधियों को अलग अलग पढ़ लेते हैं क्योंकि दोनों ही विधियां आपसे पूछी जाती है, अस्थायी विधि भी पूछी जाती है, स्थायी विधि भी पूछी जाती है, दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं फिर वीडियो को हम एंड करेंगे। अगर हम कहें परिवार नियोजन की विधियों में, तो दो विधि आती है पढ़ने को मिलती है हमें, एक होती अस्थायी एक होता है स्थायी विधि। अब अस्थायी विधियों में क्या आता है, सबसे पहला निरोध, दूसरा है कॉपर्टी का प्रयोग, तीसरा है गर्भ समापन, चौथा है गर्भ निरोधक सुई, ठीक है। लेकिन अस्थायी विधि में क्या आता है, नसबंदी और नलबंदी। अब लेकिन समझिएगा कि जो नसबंदी होती है वो किस में होती है, मेल में की जाती है, मतलब पुरुषों में नसबंदी की जाती है और फीमेल्स में क्या होता है, नसबंदी की जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा ना, इंदिरा गांधी जी के समय पर नसबंदी कराई गई थी, तो 1975-6 की बात है। तो नसबंदी मेल में की जाती है, नलबंदी फीमेल में की जाती है। और आपसे यहाँ से भी सवाल बन सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर अति लघु में भी पूछा जा सकता है कि नसबंदी जो एक परिवार नियोजन की स्थायी विधि है वो किस में होती है, पुरुष में कि महिला में, ऐसे हो सकता है पूछा जाए। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो नसबंदी है वो किस प्रकार की विधि है, परिवार नियोजन की विधि तो है लेकिन किस प्रकार की विधि है, अस्थायी विधि है कि अस्थायी विधि है। तो आप क्या कहेंगे बच्चों, स्थायी विधि है, ठीक है। ये एक बार अगर हो जाए तो दोबारा इसको कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर जो अस्थायी विधि है वो नाम में ये क्या है, अस्थायी, मतलब वो स्थिर नहीं है, अगर एक बार कराएंगे तो दोबारा फिर से आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन स्थायी में परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों अनुवांशिकता और उसके सिद्धांत, जो सभी लैमार्क इन सभी का जो सिद्धांत दिया हुआ है, जो मटर का प्रयोग है, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर, और अच्छे से वीडियो को पढ़िएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। बाय।